अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्यूजींस बाय कुरतुलैन के किचन में आज बन रहा है आलू मटन गोश्त। घर में बनने वाले आलू मटन से इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसीलिए जब आप इसको बनाएंगे और इसको खाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इसका शोरबा थोड़ा गाढ़ा है आम शोरबे से। और दूसरी इसमें क्वालिटी ये है कि इसमें शोरबे में बहुत ज़्यादा जायका होगा। क्यों होगा ये जब आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। एक कुकर लें, उसमें आप 1 kg मटन शामिल कर दें और 1 kg मटन में आपने 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल करना है। 1.5 लीटर पानी कर दें शामिल, तो आपने इसी रेशो से अगर आपका मटन कम हो पानी कम कर दें, मटन ज़्यादा हो पानी ज़्यादा कर दें, ठीक है, रेशो यही रखनी है। फिर इसके बाद इसमें साबुत मसालों में जाएगा 4-5 काली मिर्च ली हैं मैंने, 3-4 लौंग ली हैं, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया और एक काली इलायची में से मैंने बीज निकाल लिए हैं, वो डाल दें इसमें, ठीक है। और उसके बाद 1 teaspoon नमक शामिल कर दें और 2 teaspoon इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया इसमें, अब आपने कुकर को बंद कर देना है और इसको आपने 20 मिनट के लिए चूल्हे पर चढ़ा देना है, ठीक है। दूसरी तरफ आप एक ग्राइंडर जार लें, उसमें आपने क्या करना है, 3 टमाटर रफली चॉप करके डाल दें क्योंकि हमने इसकी पेस्ट बनानी है, इसको कोई बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। 3 मैंने टमाटर को रफली चॉप करके ग्राइंडर में डाल दिया। फिर एक बड़े साइज़ का मैं अनियन डाल रही हूँ, आपका अनियन अगर छोटा है प्याज तो 2 डाल दें। आप इसको मुलायम सी पेस्ट बना लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी सी पेस्ट बनानी है आपने इसकी, ये पेस्ट बन जाएगी। फिर दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, आलूओं को 3 आलू छील के रख दिए हैं, ठीक है, इसके हमने बड़े बड़े टुकड़े काटने हैं आलू के, ठीक है, इसके छोटे टुकड़े नहीं काटने हैं, बड़े आलू के टुकड़े अच्छे लगते हैं आलू गोश्त में, ठीक है। मेरा बड़ा जो आलू था उसके मैंने 6 पीस किए हैं, जो छोटा था उसके 4 या 5 टुकड़े कर लें, ठीक है, बस बड़े टुकड़े हों, ये कर लिए। ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम एक पैन लेंगे, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है और 1 चाय की चम्मच ज़ीरा डाल दिया है, ठीक है, हल्का सा इसको कड़कड़ा लें। उसके बाद मैंने इसमें मैंगो पाउडर 1/2 चाय की चम्मच डाल दिया है, हल्की सी खटास चाहिए हमें, और 2 teaspoon इसमें रेड चिली पाउडर डाल दें, ठीक है। मैंगो पाउडर 1/2 teaspoon से ज़्यादा नहीं डालना वरना ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, हमें बहुत बहुत ही हल्की सी खटास चाहिए। फिर इसमें 1 teaspoon हमने सॉल्ट का ऐड कर दिया, इसको आपने 10-15 seconds हल्का सा भूनना है। और फिर इसमें टोमेटो और अनियन की जो अभी हमने पेस्ट बना के रखी थी वो शामिल कर देंगे। खाली घी में हमने मसाले, ड्राई मसाले इसलिए डाले हैं कि ड्राई मसाले ऑयल में अपना कलर छोड़ दें, और फिर जैसे ही वो कलर छोड़ें फौरन आप इसमें टोमेटो और अनियन की पेस्ट डाल दें। ज़्यादा मसालों को नहीं पकाना, ड्राई मसालों को, वरना वो काला रंग हो जाएगा, ठीक है, हमने इसका रेड कलर देना है ऑयल में। अब इसको हमने टमाटर और अनियन को भून लेना है ऑयल में, और पहले ये टमाटर और जो अनियंस हैं, प्याज हैं, ये सारा ऑयल अपने अंदर चूस लेगा और फिर इसके बाद ये ऑयल छोड़ते देगा, और जब ये छोड़ देता है तो फिर हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। 1/2 चाय की चम्मच मैंने इसमें टर्मरिक डाल दिया है, हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है क्योंकि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। फिर हमने इधर हमारा कुकर में यखनी रेडी हो चुकी है, इसमें से हम बोटियां, जो मटन की बोटियां हैं, इसको अलग कर लेंगे, अच्छी तरह इसमें से तमाम ब्रोथ या यखनी को निकाल दें अच्छी तरह, और फिर जो खाली मटन की बोटियाँ हैं वो हम मसाले में शामिल कर देंगे। अभी हमने जो टमाटर और उसका मसाला बना के रखा है इसमें हम ऐड करेंगे और इस मटन को हम भुनाई लगाएंगे। इसमें मैं तमाम गोश्त की बोटियां निकाल लूँगी और यखनी अभी फ़िलहाल इसी कुकर में ही रहने दें, ठीक है। फिर मैं आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो बताती हूँ। इस यखनी के साथ हमने एक छोटा सा नेक्स्ट स्टेप करना है, ये हमने सारी निकाल ली। अब यखनी में 4 से 5 मिनट तक आलू डाल के इसको बंद करके पका लें, तो हमारे आलू कुकर में बहुत जल्दी गल जाते हैं, 4-5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेते। इसको वेट लगा दें, इतनी देर में हम उधर मटन की भुनाई लगाएंगे, इतनी देर में हमारे ये आलू गल के रेडी हो चुके होंगे। इस तरह हमारा टाइम भी बच जाएगा, मटन भी जल्दी रेडी हो जाएगा और ज़्यादा मज़ेदार रेडी होगा। ये देखें, इधर मटन को हम मसाले के साथ भुनाई लगा लेंगे और उधर जो हमने साइड में आलू यखनी में पकने रखे हैं, तो यखनी जो है आलूओं के अंदर तक जाएगी तो आलू भी हमारे टेस्टी बनेंगे, वो भी अंदर से फीके नहीं होंगे, ठीक है। ये देखें, इसको हमने भुनाई लगा ली। इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चम्मच इस वक्त नहीं चलाना क्योंकि हमारा मटन इस वक्त जो है ये ऑलमोस्ट 85-90% गला हुआ है, ठीक है।
बस अब हमने इसको भुनाई हमारी हो गई है, बस ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसमें से मसाला में से पानी उड़ जाए और ये भुन जाए, तो हमने इधर देखेंगे हमारा इतनी देर में आलू गल चुके होंगे यखनी के साथ, और यखनी देखें अच्छी खासी बची हुई है जो कि हमारा शोरबा बनाने में काम आएगी। इस वक्त हमारी आधा लीटर के करीब यखनी बची हुई है जो कि शोरबे के लिए बहुत काफ़ी है। आप देखें ये यखनी ही कितनी गाढ़ी बनी हुई है, तो जब ये शोरबे में आलू में और मसाले में साथ पकेगी तो ये वाला यखनी शोरबा बनकर और गाढ़ी हो जाएगी। ठीक हो गया, आलू को मैंने चेक कर लिया है, इस वक्त ये गल चुके हैं। अब हम इसको शामिल कर देंगे जो हमारा यहाँ पे गोश्त भुनाई किया हुआ रखा है मटन का। अब हम इसको शामिल कर देते हैं, मैंने आपको घुमा के दिखा दिया है कैमरा। अब हम इसको शामिल कर देंगे मटन में, और बस इसको अब हमने ज़्यादा नहीं पकाना। हमारे आलू भी गले हुए हैं, हमारी यखनी में जायका भरपूर बना हुआ है, हमारा मटन भी भुन चुका है। अब हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे बस 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये सारे जायके आपस में, तीनों यखनी आलू और मटन का जायका आपस में मिक्स हो जाए। इसको बस हमने 5 मिनट पकाना है और फिर इसके बाद हमारा मटन रेडी हो जाएगा। हल्का सा इसमें जैसे ही उबाल आएगा मैं उसके ऊपर दे दूंगी ढक्कन, और ढक्कन देने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें जो मैंने आधी कट की हुई हैं। अगर आपकी छोटी मिर्चें हैं तो आप पूरी भी डाल सकते हैं, मेरी ज़्यादा लंबी मिर्चें थी इसलिए मैंने आधी डाली हैं करके। ये गोशोरबा आप देख सकते हैं अभी से ही इतना गाढ़ा है, जब ये 5 मिनट इकट्ठा पकेगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, शोरबा मैंने आपको पहले भी चेक करा दिया है पकने से पहले। अब हमने कसूरी मेथी 1 चाय की चम्मच लेके शोरबे में शामिल कर दी। ठीक है, और अब हम लगा देंगे इसको ढक्कन। ये लगा दिया हमने इसको ढक्कन, और अब इसको 4 से 5 मिनट जस्ट पकाएंगे और हमारा मज़ेदार किस्म का मटन ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। ये हो गए 3 से 4 मिनट के बाद देखें किस कदर अच्छा और ख़ूबसूरत और कलरफुल सा हमारा मटन रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।